Hello everyone, this is Deepika. Welcome to RGAD Commerce classes. Now we are continuing our pricing strategies, and today we are going to discuss perceived value pricing. What is perceived value pricing? इसमें क्या होता है, perceived value pricing में हमें ये देखना होता है कि customer कितना pay कर सकता है, मतलब how much ability he has to pay, है ना, वो कितना प्राइस दे सकता है, ये हमें देखना होता है. इसमें बायर परसेप्शन ऑफ वैल्यू हमें देनी होती है कि हम इतना प्राइस रखते हैं जितना कस्टमर दे सकता है, और या ये भी हम कह सकते हैं कि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उससे उतना प्राइस लेते हैं. ये बात हुई परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग. ठीक, अब अदर इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ क्या हैं? वेरिएबल प्राइस पॉलिसी. देखो, वेरिएबल प्राइस पॉलिसी उसमें तो ये होता है, वी हैव टू सी हाउ मच प्राइस कस्टमर इज एबल टू पे. परसीव्ड वैल्यू प्राइस में हम बेसिकली ये देखते हैं कि कस्टमर की एबिलिटी कितनी है पे करने की. इसमें बायर का परसेप्शन देखा जाता है. ठीक है, और वेरिएबल प्राइस पॉलिसी में ये होता है, हम डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर से चार्ज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी शोरूम से कपड़े ख़रीदते हैं तो हमें महंगे मिलते हैं, वहाँ एसी है और पानी चाय हर कुछ मिलती, सारी सर्विसेज मिलती. ठीक, और अगर हम नॉर्मल शॉप से वही कपड़ा ले रहे हैं तो वो हमें 300 का मिल रहा है, और अगर एसी वाले से जाके ले रहे हैं तो 400-450 ऐसे मिल रहा है, या 500 के अप्रॉक्स, है ना. तो बात ये है कि नॉर्मल शॉप वाले को सिर्फ नॉर्मल शॉप का रेंट देना पड़ रहा है, और जब एसी वाले शोरूम को एसी का किराया और बाकी सर्विसेज हैं, पानी पिलाया, कॉफ़ी पिलाई, चाय पिलाई, जो भी है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके देनी पड़ती हैं. अब अगर हम बात करें तो हमारी जो नॉन वेरिएबल प्राइसिंग होती है, इसमें ये होता है कि कस्टमर को ज़्यादा पे करना होता है और होलसेलर को कम पे करना होता है. क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर एक बल्क में अमाउंट लेता है, इसलिए उसे ज़्यादा उसे कम पे करना होता है, और कस्टमर तक पहुँचते प्राइस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. जब इंक्रीज़ हो जाती है उसे ज़्यादा पे करना पड़ता है, और प्रॉफिट गेनिंग भी होता है, रिटेलर इससे प्रॉफिट भी गेन करते हैं. अब अगर हम बात करें तो सिंगल प्राइस पॉलिसी क्या होती है. सिंगल प्राइस पॉलिसी हमारे बेसिकली ब्रांडेड आइटम्स में ही इंक्लूड होती है, और इसमें सारे एवरीवन हैज़ टू पे द सेम, सबको एक ही प्राइस पे करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेमेंट्स में कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम खरीदने जाएंगे, हमें भी उतना ही प्राइस मिलेगा, कोई और ख़रीदने जाएगा उसको भी उतना ही प्राइस मिलेगा, मतलब सबको सेम चार्ज किया जाता है. ब्रांडेड आइटम उसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल प्राइस पॉलिसी में पॉइंट ऑफ ओरिजिन प्राइस पॉलिसी क्या होती है. इसमें ये होता है, एक्स फैक्ट्री प्राइसिंग होती है, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से जस्ट निकले हुए ये प्रोडक्ट होते हैं, और इसमें फैक्ट्री ही सारे ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरेज, सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री ही बियर कर लेती है, नंबर वन. नंबर टू जो होता है, फ्री ऑन रेल पॉलिसी. ये फ्री ऑन रेल पॉलिसी मतलब कंपनी बियर कर लेती है रेलवे स्टेशन तक जाने तक का खर्चा, रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का खर्चा इतना बियर कर लेती. ठीक, अब अगर हम बात करें तो फ्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है. इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होती है, एज अ वर्ड डिफाइन सेल्फ की फ्रेट एब्जॉर्प्शन है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड है. ठीक है, और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म डिलीवर्ड, तो यूनिफॉर्म डिलीवर्ड में ऑल चार्जेस आर अब्सॉर्ब इन द प्रोडक्ट. इसमें सारे चार्जेस अब्सॉर्ब होते हैं प्रोडक्ट में, मतलब कोई चीज़ 5 रुपीज़ की अगर बन के इंक्लूड हुई है तो वो 5 रुपीज़ की बिक रही है, इसमें सारे चार्जेस इंक्लूड हैं. सेम प्राइस टू ऑल कस्टमर, सेम पैटर्न टू ऑल कस्टमर, सेम प्राइसेस टू ऑल कस्टमर, यूनिफॉर्म एज अ वर्ड डिफाइंड. ठीक, अब अगर हम बात करें जोनल प्राइसिंग, जोनल क्या होता है, तो इसमें ये होता है अकॉर्डिंग टू जोन, जोन के अकॉर्डिंग, जैसे ये सेंट्रल है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, है ना, तो जोन के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज किए जाते हैं, है ना, जोन के अकॉर्डिंग हमारे प्राइस चार्ज किए जाते हैं जोनल में, है ना. अब अगर हम बात करें कि
हमारी ये बेस पॉइंट क्या होती है? देखो बेस पॉइंट, बायर हैज़ टू कम एट बेस पॉइंट। ये बेस पॉइंट बेसिकली इसलिए डिसाइड किया गया है कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी कोई कमोडिटी, कोई गुड्स यहाँ पे परचेज़ की, ठीक है, कोई गुड्स परचेज़ किया हमने लखनऊ में, ठीक। अब हम वहाँ आसपास के रीजन में ही तो जा सकते हैं, बहुत दूर दूर तो जा नहीं सकते, तो हमने एक बेस पॉइंट डिसाइड किया कि भाई बायर को यहाँ तक आना पड़ेगा चीज़ को परचेज़ करने के लिए, ठीक। या अब इसके एग्जांपल इसको और समझ लेते हैं, जैसे स्टील मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, वो बेस पॉइंट यूज़ करते हैं क्यों, सेपरेट क्या करने के लिए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस हाई होते हैं, है ना, इस वजह से क्या करते हैं वो एक बेस पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर बेस पॉइंट फिक्स हो गया, वहाँ पे जाइए आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इंटरनेशनल वाइड गुड्स हैं, इन्होंने ये भी बेस पॉइंट सेट कर लेते हैं रीज़न के अकॉर्डिंग, और सेपरेट शिपिंग कॉस्ट भी सेट कर लेते हैं, जिससे कोई हमारे गुड्स को ऑल ओवर सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये होती है बेस पॉइंट, आई होप ये समझ में आया होगा बेस पॉइंट, ठीक। आप अदर टाइप्स की बात करें, फैल्टम फ्रेड भी उसी में आता है, ठीक है, जो हमने बताया है। ट्रेड डिस्काउंट, देखो ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि जितना बल्क में हम गुड्स को खरीदेंगे उतना हमें डिस्काउंट मिलेगा, मतलब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ख़रीदता है बल्क में, बहुत ज़्यादा ख़रीदता है, ठीक है। थोक के दुकान में उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे, 3,000 कपड़ा, अब रिटेलर ने कुछ फुटकर में ख़रीदे उसे 4,000 कपड़ा, कस्टमर ने आते आते एक ख़रीदा उसे 5,000 कपड़ा, ये बात हुई ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। अब कैश डिस्काउंट की बात करें, हमने कोई गुड्स कहीं से परचेज़ किया किसी शॉप से, अगर फ्यू मंथ में उसे पैसे दे देते हैं, है ना, तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक। रिबेट जो होती है वो छूट होती है, ठीक है। कंसेशन टू कस्टमर इफ गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, ये एक तरह से ये होता है कि अगर एज अ सेलर हमारे गुड्स प्रॉपर तरीके से, या हमारे गुड्स प्रॉपर तरीके से कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये एक तरह से रिबेट दी जाती है, कंसेशन दिया जाता है, ये क्या होता है फर्म का लॉस होता है, तो हम उसे बियर करेंगे, ठीक है, एज अ सेलर, ठीक। अब कॉमन वंस कौन कौन से, देखो लीडर प्राइस पॉलिसी, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी गई थी, आज ही मैंने देखा इसको, और ये इम्पॉर्टेंट भी, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी इम्पॉर्टेंट है। देखो लीडर तो पूछी गई और ये समझना भी ज़रूरी, लीडर प्राइसिंग पॉलिसी वो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, मेरी एक बड़ी कंपनी है, हमने प्राइस रख दी है 100 रुपये, तो जो छोटी कंपनियां हैं वो भी प्राइस फॉलो करेंगी, ये मतलब हम प्राइस, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो हम प्राइस मेकर हुए, ठीक है, प्राइस मेकर हुए, ये प्राइस टेकर हुए, ये प्राइस टेकर हुए, ठीक। द पॉलिसी विच बिग फर्म चार्जेस फॉलो ऑल्सो बाय द सेम फर्म, ठीक, ये लीडर प्राइसिंग पॉलिसी होती है, ठीक है। लीडर राजा होता है, जो वो प्राइस चार्ज करता है वही प्रजा को भी चार्ज करनी पड़ती है, मतलब एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, प्रजा इसमें इनकी मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, और ये हमारी बड़ी मार्केट है, ये लीडर मार्केट है, ठीक। अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ये होती है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ये होती है कि कस्टमर को साइकोलॉजिकली अफेक्ट किया जाता है, कोई चीज़ अगर 100 की है और 99 की है तो आपके दिमाग में ये जल्दी स्टक करेगा कि यार ये तो सिर्फ 99 की है, तो क्या करा जा रहा है, आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट किया जा रहा है। अब 99 से 100 कर देते तो क्या एक ही रुपए की तो बात थी, बट ये साइकोलॉजिकली अफेक्ट किया जाता है, 99, हाँ 1000 की होगी 999 ऐसे करके लिखा जाएगा, है ना। मॉल्स में बहुत सारे ऑफ़र दिए जाएंगे, आप कैलकुलेट करोगे तो बोलेंगे 3,000-4,000 रुपये, लेकिन जब आपका पहुँचेगा 2,999 ऐसे के आसपास पहुँचेगा, फिर एक रुपए की चीज़ मिलेगी नहीं, इसलिए आप और शॉपिंग करते जाओगे या कोई नहीं भी करेगा, मतलब एक बात है कि वो साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट कमाने का एक ये माध्यम हो सकता क्या है ये। अब अगर हम बात करें स्कीमिंग प्राइसिंग, देखो स्कीमिंग प्राइसिंग भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की पूछी जाती है,
पेनिट्रेशन भी पूछा जाता है। स्कीमिंग में ये होता है बेसिकली हाई प्राइस चार्ज करते हैं व्हेन सिमिलर, अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स, ये देखो ये सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं ठीक, तो हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे। सिमिलर प्रोडक्ट नहीं, रुक जाओ गलत बता दिया, अगर ये देखो ये सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो ये लेस प्राइस चार्ज करेंगे। भाई सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम अगर प्राइस ज़्यादा करेंगे यहाँ से खरीद लेंगे, ये ज़्यादा करेंगे यहाँ से खरीद लेंगे। इसलिए ये होता है कि लेस प्राइस चार्ज करोगे, जो ये 8 रुपये का दे रहा है, ये 10 रुपये का दे रहा है, 6 रुपये का दे रहा है, कहाँ से खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर क्वालिटी है, सिमिलर सब कुछ है, ये स्कीमिंग में होता है ठीक है। अब अगर पेनिट्रेशन में बात करें तो पेनिट्रेशन एज अ वर्ड डिफाइनेड, हम पेनिट्रेट हो रहे हैं, मतलब हमारे प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एज अ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सेलर मान के ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो प्राइस जो होते हैं डिक्रीज, प्राइस जस्ट अ मिनट, फिर कंफ्यूजन हो गया, चार्ज हाई प्राइस व्हेन सिमिलर प्रोडक्ट आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, रुक जाओ एक मिनट। स्कीमिंग जो होती है इसमें ये है, अगर इसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है ठीक है, तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे। अगर सिमिलर प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है ना, तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे, ये स्कीमिंग हुई ठीक है। और पेनिट्रेशन में, तभी तो मैंने सोचा कि क्या गड़बड़ हो रही है, पेनिट्रेशन में हमारे लो प्राइस चार्ज होते हैं। स्कीमिंग में प्राइस ज़्यादा चार्ज, पेनिट्रेशन में हमें पेनिट्रेट हो रहे हैं, मतलब लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं एज अ मार्केट, एज अ सेलर। इसमें क्या होते हैं, सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं, और पेनिट्रेशन में अब वो बात आ गई, हमने गलत बता दिया था, एक तरह से कन्फ्यूजन हो गई थी। पेनिट्रेशन में क्या होता है, सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये देखो ये 6 का है, ये 8 का है, ये 10 का है, कौन सा खरीदेंगे, ये क्या हुई, पेनिट्रेशन हुई, समझ में आया। पेनिट्रेशन में जो प्राइस होते हैं वो लेस होते हैं, कम होते हैं ठीक है। स्कीमिंग में प्राइस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा गाइस, और ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आप ना, आप लोग वीडियोज़ देखते हैं बट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।